सबसे पहले तो आप सबको सबसे पहले आप सबको मेरे तमाम पत्रकार साथियों को और आपके माध्यम से तमाम प्रदेशवासियों को देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि ये साल कम से कम हमारे प्रदेश के लिए एक बेहतर साल साबित हो। इसी साल चुनाव भी है, राजनीतिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण साल होने वाला है। कामना बस ये करता हूँ कि ये साल हर किसी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए, सुख शांति लेकर आए। चिराग जी, इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाए जाने को लेकर नीतीश कुमार की चर्चा लगातार चल रही है, लेकिन बन नहीं पा रहे, क्या कहेंगे? भाई मुझे नहीं पता कि उनको कोई बनाना चाह रहा है, वो बनना चाह रहे हैं, कोई बनाएगा कोई नहीं बनाएगा, ना ही वो मेरी चिंताओं में से है। मुझे इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि इंडिया गठबंधन उनको संयोजक बनाती है कि नहीं। भले ये उनकी महत्वाकांक्षा जरूर होगी, मेरे मुख्यमंत्री बनना जरूर चाहते हैं, पर जिनसे बिहार नहीं संभलता वो इतने बड़े घटक दलों के गठबंधन को कैसे संभालेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और संभवतः यही कारण होगा कि जो दूसरे घटक दल के नेता भी हैं वो भी उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं। दो फार्म में बढ़ती दिख रही है, कल दूसरे खेमे का बैठक भी है, क्या लगता है पहले कैंडिडेट का भी घोषणा हो गया है? भाई मैं तो बोल ही चुका हूँ, मैंने बहुत पहले ही इस बात को कहा था कि अब वो दिन दूर नहीं है जब जनता दल यूनाइटेड खंडित होती हुई दिखेगी और संभवतः आने वाले दिनों में इस पार्टी का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचने वाला। ऐसे में ये महज एक शुरुआत है, आने वाले दिनों में और बड़ी टूट होगी पार्टी। अभ्यर्थी का सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से वो अमान्य हो गया है, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि गजट में शामिल कर दिया जाए ताकि हम लोग किसी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, क्या कहेंगे? भाई मैं उनकी मांग के साथ पूरी तरीके से मैं समर्थन करता हूँ, गजट में उसको शामिल किया जाना चाहिए, बल्कि इस मांग को मैं भी उचित स्थान तक लेकर जाऊंगा। चिराग जी एक सवाल है, एक अधिकारी है शिक्षा विभाग के पाठक, वो कभी किसी को गाली देते हैं तो कभी माननीय के प्रति। भाई ये अधिकारी मेरे मुख्यमंत्री जी के करीबियों में से हैं, पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हम लोग को प्रकट कर रहे हैं, उसी तरीके से उनके करीबी ऐसे अधिकारियों के प्रति भी अब ये चिंता जाहिर कर रही है। अधिकारियों पर हमला हुआ है, गलत है, पूर्णतः गलत है, पूर्णतः गलत है। इस तरीके से केंद्र की एजेंसियों के ऊपर इस तरीके से हमला करना कहीं से भी इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। और ये हमला जो कहा जा रहा है कि भैया कुछ लोगों ने आक्रोशित होकर किया, ये पूरी तरीके से राज्य सरकार के संरक्षण में सुनियोजित तरीके से करवाया गया ये हमला है, जो कि गलत है।